यूपी विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी 250 के आसपास पहुंच चुके हैं। मेरे साथ स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। सर, रुझानों में 250 के आसपास अभी पहुंच चुके हैं और समाजवादी पार्टी काफी पीछे हो गई है, पहला रिएक्शन? देखिए, पहले से ही तय था, आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व राज्य के अंदर, आदरणीय योगी जी का नेतृत्व एक सक्षम नेतृत्व है, गरीबों के कल्याण करने वाली नेतृत्व है और व्यापारियों को सुरक्षित रखने वाली नेतृत्व है। नौजवानों की चिंता करना, युवाओं की चिंता करना, सड़कों का जाल, कनेक्टिविटी, लोगों ने विकास के नाम पर ही वोट दिया। जाति के तरफ तो ले जा रहे थे लोग, जातिवाद के आधार पर राजनीति कर रहे थे और जाति के आधार पर लोग ले जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, जनार्दन को मैं प्रणाम करूँगा, जो उनका आशीर्वाद मिला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये वास्तव में जाति, क्षेत्र, व्यक्ति, परिवार, वंशवाद से ऊपर उठकर मिला है और गरीब के कल्याण के लिए मिला है। और ये रुझान से, हमें रुझान से लग रहा है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है और हम सब भी तैयार हैं गरीबों की सेवा करने के लिए, क्योंकि अब चैलेंज ज़्यादा है। संगठन सरकार को, दोनों को मिलकर गरीबों की सेवा करने की चुनौती है और इस चुनौती को भी हम लोग स्वीकार करेंगे। कुल कितना नंबर सोचा था सर आपने चुनावों के पहले? देखिए, हम लोग 300 पार का नारा दिए थे, अब जनता जनार्दन का आशीर्वाद कितना मिलता है, अब तो सामने रिजल्ट आने वाला है। मुख्यमंत्री के नाम पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं? ये कोई चर्चा का विषय नहीं, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और आदरणीय योगी जी ही नेतृत्व करेंगे हम सबका। बहुत बधाई सर। तो स्वतंत्र देव सिंह जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, साफ कहना है कि जो लोगों के का मन था, लोगों के आशीर्वाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी को अभी बढ़त मिल रही है और 300 पार का नारा था वो पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर एबीपी न्यूज़ लखनऊ।